बोली गौरी हरस ही भरी जय जय सीता राम। गौरा पार्वती हर्षित हो गई, बोली बोली गौरी हरस आप भगवान के मंदिर जाओ तब प्रणाम करने के लिए कौन सा तरीका अपनाओ। सागर सिंह प्रसाद सिर धरे जय जय राजा राम हरे। बोली गौरी हरस पार्वती जी को प्रणाम करके सीता जी मुड़ गई, दो कदम चल दी, तब पीछे से आवाज आई, सुनो सुनो सिया सत्य पुकारती है, सुनिए नहीं सुनिए हो तो सामने होती तो बात करो सुनिए, लेकिन मुड़ के जा रही थी तब कहा सुनु सी असत्य अशेष हमारे, सुनु सी असत्य अशेष हमारे, पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। इन देवताओं को भी देवियों को भी भक्त को विश्वास दिलाने के लिए कभी कभी उदाहरण देने पड़ते हैं, प्रमाण देने पड़ते हैं। सीता जी जाकर के बाहर बोलेगी कि मूर्ति ने हमसे बात किया है, मूर्ति ने हमको बुलाकर आशीर्वाद दिया है, तब बाहर वाली कोई सखी मानेगी? अथवा तो सीता जी को ही भरोसा नहीं हो रहा कि मूर्ति बोल रही है कि कहीं से अलग से आवाज आ रही है। ये मूर्ति बोल रही है या कहीं अलग से आवाज आ रही है, सीता जी को भ्रम हो जाए। सीता जी के व्यक्तिगत भ्रम को दूर करने के लिए माता पार्वती गिरिजा भवानी एक प्रमाण देती हैं, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक प्रमाण देती हैं। कहती हैं सीता हमारी बात तो कभी झूठी भी हो सकती है, कोई कहे तो आकाशवाणी हुई थी, लोग कहेंगे नहीं तुम भी मानोगे कि नहीं ऐसे ऐसे हो गया होगा, ये झूठी हो सकती है, लेकिन नारद बाबा की बात तो कभी झूठी होती नहीं है। नारद जिसकी बात कभी रद्द ना होती हो। तो एक घटना याद कराई जिसकी चर्चा रामचरितमानस में नहीं है,